तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर जाओगे और शॉर्ट्स सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने काफी सारे मिनी ब्लॉग्स भी अपलोड करके रखा हुआ है। और मिनी ब्लॉग्स का आप लोग व्यूज देखो, ठीक है। जो बेड पे देखिए लेटा हुआ है उसमें 2.1 मिलियन आप लोगों को व्यूज देखने को मिल रहा है। इसको मिनी ब्लॉग है, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं, ये मिनी व्लॉग है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाओगे तो और भी देखिए, ये देखिए आवर न्यू होम, जो मेरा घर है जो बन रहा है, उसको भी देखिए मिनी व्लॉग में डाला था। 1.5 मिलियन इसमें व्यूज है, ये देख सकते हैं 1.5 मिलियन। फिर और नीचे जाओगे, ये देखिए, ये भी मिनी व्लॉग है, 500+ के व्यू है। फिर नीचे जाओगे, ये देखिए 1.3 मिलियन, ये मैं क्रिकेट का मैच देखने गया था वर्ल्ड कप का, ये देखिए। तो ये सब है मिनी व्लॉग्स। तो दोस्तों, ये मिनी व्लॉग्स आज के डेट में बहुत चलता है। ये मिनी व्लॉग्स बनाने का फायदा भी बहुत सारा है। जैसे ये सेम मिनी व्लॉग को आप अपने शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो, जो कि यूट्यूब पे बहुत वायरल होता है, ट्रेंडिंग में, मतलब आज के डेट पे। सेम इसी मिनी ब्लॉग का आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा वायरल होता है। मैं डालता हूं, वो भी इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल होता है, देखिए स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूं, ठीक है। और सेम इसी मिनी ब्लॉग का आप फेसबुक पेज पे भी डाल सकते हो, और फेसबुक पेज पे तो भाई और ज्यादा वायरल होता है, ये देखिए कुछ स्क्रीनशॉट देख लो। तो इस तरह से दोस्तों, आप मिनी ब्लॉग अगर बनाओगे तो आप बहुत सारा इसका बेनिफिट आप तीनों प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। और आज के डेट पे सबसे ज्यादा ट्रेंड है अभी लॉन्ग फॉर्मेट का। अगर मैं ब्लॉग बनाता हूं ना, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट, यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखिए कैसा व्यूज आता है। ज्यादा व्यू नहीं आ रहा, देखिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, कोई कोई 3 लाख 2.5 लाख, 70,000 80,000 में रुक जाता है। लॉन्ग फॉर्मेट का ब्लॉग आजकल भाई चलता ही नहीं है, आजकल मिनी ब्लॉग ज्यादा चल रहा है। तो मिनी ब्लॉग आप लोगों को बनाना चाहिए, बनाना ही चाहिए, तभी आपका चैनल भी ग्रो होगा, जल्दी आपका ग्रो हो जाएगा। और मिनी ब्लॉग के थ्रू दोस्तों आप लोग पैसा भी बहुत भर भर के कमा सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आप कम कमाओगे, लेकिन मिनी ब्लॉग डालकर आप फेसबुक पेज पे भी बहुत पैसे कमा सकते हो, और बहुत कोई कमा भी रहा आज के डेट पे। तो इसी तरह से दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि मिनी ब्लॉग बनाते कैसे हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। ये दो चीज सिखाऊंगा और अपलोडिंग भी बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, कैसे कैसे करना है, कैसे अच्छे से अपलोड कर पाओगे शॉर्ट्स पे। तो मिनी ब्लॉग को शूटिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग, ये तीनों चीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। बने रहे वीडियो पे, एक अच्छे तरीके से मिनी ब्लॉग अगर आपको बनाना सीखना है तो वीडियो को देखिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, देखिए मिनी ब्लॉग जब आप लोग बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है पता है, एक स्टोरी क्रिएट आपको माइंड में हो जाना चाहिए, 1 मिनट का। 1 मिनट में ही आपका मिनी ब्लॉग खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट्स पे 1 मिनट से ज्यादा का आपका शॉर्ट्स पे नहीं जाएगा, फिर वो लॉन्ग फॉर्मेट में चला जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर में ही आपको जो है पूरा बता देना है, तो 1 मिनट में ही आपको पूरा कर लेना है। अब करते कैसे है, सिंपल करना ऐसे होता है ना कि आपको क्या करना होता है कि जैसे आप घर से निकल रहे हो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा था, तो मैं घर से निकल रहा हूं तो पहले क्या करूंगा कि एक टेक लेना पड़ता है, शूट करना पड़ता है अपने फोन से, कुछ बोलना नहीं पड़ता, बाद में वॉइस ओवर होता है। घर में आके सारे क्लिप्स को जोड़ के वॉइस ओवर बाद में होगा, पहले कुछ भी नहीं बोलना है, ये सबसे आसान चीज है। देखिए किसी को अगर नर्वस फील होता है ना, तो आपको पब्लिक प्लेस में अगर नर्वसनेस लगता है, आप बोल नहीं पाते हो, तो ये तो और अच्छा चीज है, आपको बोलना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो शूट करना है। आप कैसे शूट करना है, जैसे घर से आप निकल रहे हो तो ऐसे कर लिए, ठीक है, आप फ्रंट कैमरा ऑन कर लिए वीडियो में, ठीक है, फ्रंट कैमरा वीडियो में ऑन हो गया इस तरह करके। और पहले जैसे आपके साथ अगर कोई है तो उसको भी दिखाना है और खुद को भी दिखाना है, जैसे इस तरह प्ले कर लिए इस तरह करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा रिएक्शन दे दीजिए, ऐसे रिएक्शन दे दीजिए, ताकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप वॉइस ओवर करोगे तो हाय गाइस, मैं आज जा रहा हूँ एक क्रिकेट का मैच देखने के लिए, तो ऐसा मैं बोलूंगा तो इस तरह का दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अभी मैं एडिट करके भी दिखाऊंगा कैसे एडिट होता है। अब ये चीज हो गया, पहला आपने एक टेक ले लिया। अब जैसे आप बाहर गए, बाहर जाकर अगर आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, या फिर भाड़ा गाड़ी से जा रहे हो, रेंट वाले जैसे कि ऑटो वगैरह से जा रहे हो, या फिर अपने फोर व्हीलर से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, तो फिर ऑटो में जब चढ़ोगे तब इस तरह बैक कैमरा घुमा लेना है, और बैक कैमरा से फिर इस तरह करके शूट करना है। वाइड एंगल है तो वाइड एंगल लेके शूट करना है। तो छोटा छोटा क्लिप्स आपको बनाना है, एक रोड का क्लिप बना लिया, ठीक है। अब वहां जब पहुंच गया तो वहां जाकर के फिर एक बार इस तरह करके पूरा इस तरह दिखा दिया, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब ये आपको बोलना नहीं है, सिर्फ ऐसे करना है, ऐसे हंसते हुए खाली दिखा देना है, ठीक है, फ्रंट वाला कैमरा से। फिर उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कहीं घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उसका बना लिया। तो छोटा छोटा क्लिप्स आपको शूट करना है, कितना, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड का, क्योंकि कितना क्लिप्स लगेगा, 60 सेकंड में अगर 5-5 सेकंड का रहेगा तो 12 क्लिप्स आप लगा सकते हो, अगर 10-10 सेकंड का रहेगा तो आपका 6 ही क्लिप्स लगेगा। तो छोटा छोटा आपको क्लिप्स बनाना है, ठीक है। अब सारा जब क्लिप्स बन गया, अब सारा क्लिप्स बनने के बाद आ जाता है मेन प्रोसेस, वो है एडिटिंग। और ये सारा खेल एडिटिंग का ही है। आप जितना अच्छा सा एडिट कर पाओगे एक मिनी व्लॉग को, उतना अच्छा आपका जो है ऑडियंस एंगेजमेंट बनेगा और उतना ज्यादा वायरल होता है। तो आपको एडिटिंग जल्दी सीखना पड़ेगा। एडिटिंग कैसे सीखते हैं, VN एप्लीकेशन से आप एडिटिंग कर सकते हो, फ्री में है, कोई भी पैसा नहीं लगता। अब VN से मैं भी करता हूं, अपने भी मिनी व्लॉग्स को मैं VN से ही एडिट करता हूं। तो चलिए अभी VN एप्लीकेशन से पूरा एडिटिंग प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे होता है। तो ये रहा दोस्तों मेरा VN एप्लीकेशन, आपको भी डाउनलोड करना है। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा ना, तो देखिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि मैंने काफी सारे व्लॉग्स को मैं यहीं से अपलोड करता हूं, और काफी सारे मिनी व्लॉग्स भी मैंने एडिट कर रखा। देखिए रिसेंट में मैंने एक मिनी व्लॉग डाला था जब मैं पिकनिक करने गया था अपने फैमिली के साथ, ये देख सकते हो 1 मिनट 19 सेकंड का है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट्स में इसको डालूंगा तो 1 मिनट ही अपलोड होगा, 19 सेकंड वाला नहीं होगा लास्ट वाला। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मेरा अटैच किया हुआ, इसको कैसे एडिट किया वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। करना क्या होता है कि आपको एडिट करने के लिए प्लस आइकन पर जाना होता है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि सारे जो भी क्लिप्स आपने शूट करके रखा हुआ है वो सारे क्लिप्स को ऐड करना होता है। देखिए मैंने काफी सारे क्लिप्स को शूट किया, और मिनी व्लॉग बनाने का एक तरीका समझ
समझ लो, जब भी बनाओगे ना तो ये वाला फॉर्मेट में बनाना है, 9:16 ये वाला फॉर्मेट, ऐसा सीधा रखना है फोन को, ऐसे नहीं बनाना है। जब आप लॉन्ग व्लॉग बनाते हो तब ऐसे फोन को रखना है, मतलब इस तरह करके देखिए। लेकिन मिनी व्लॉग बनाओगे तो आपको बैक कैमरा से ऐसे बनेगा सीधा में, फ्रंट में भी बनाओगे तो इस तरह सीधा से ही इस तरह बनाना है, ठीक है? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो सारे क्लिप्स देखिए, मेरा 9:16 में बहुत सारे क्लिप्स हैं जो कि मैंने मिनी व्लॉग बनाया था। अब इसको क्या करना है, सारे क्लिप्स को मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चलिए अटैच करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, जैसे ये क्लिप है, देखिए ये 9:16 वाला जितना लंबा वाला क्लिप है वो सारा मिनी व्लॉग का है, ठीक है? ये देख सकते हो, ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ये रहा, ठीक है? गोभी कटिंग चल रहा है, ये रहा भात बन रहा है, ये रहा खा रहे हैं, ये रहा, हो गया। अब इसको क्या करना है, एरो पे क्लिक कर देना, सारा क्लिप्स यहाँ पर जो है आपका अटैच हो जाएगा। सारा क्लिप्स अटैच हो जाने के बाद अब क्या करना होता है, देखिए सारा क्लिप्स अटैच हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि कितना क्लिप को कितना लंबा रखना है ताकि उतना में ही आपका बोल के खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इतना ये रहेगा चाय वाला बन रहा है, फिर ये रहेगा, ठीक है? ये उल्टा घुमा हुआ, इसको मैं इस तरह करके इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, ये देखिए, इस तरह करके सीधा मैं कर भी सकता हूँ। इधर कर दिया, इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए गोभी कटिंग चल रहा है, इधर मैं खा रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा सारा क्लिप्स। अब करना क्या होता है दोस्तों, इसका जो ओरिजिनल साउंड होता है ना क्लिप का, उसको इस तरह क्लिक करके और यहाँ पर जाओगे तो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए वॉल्यूम पे जाइए और इसको पूरा जीरो कर दीजिए, और जीरो करके पूरा इसका साउंड को खत्म कर दीजिए ओरिजिनल वाला, और इसको अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, सारा क्लिप्स का साउंड गायब हो जाएगा। ये देखिए एक ही बार में सारा क्लिप हट गया, देखिए साउंड है ही नहीं, सारा गायब हो गया। अब आपको करना क्या होता है कि मिनी व्लॉग का सबसे मेन पार्ट होता है कि सबसे पहले तो एक चीज और देख लो कि जो भी दूसरा पार्ट जैसे कि आ रहा है, जैसे कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, फिर ये अलग पार्ट है, तो बीच में जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी डालना, ठीक है? जैसे प्लस वाला आइकन आ रहा है वहां पे आपको क्लिक करना होता है, और देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स आएगा, ये देखिए, ये ब्लैक होकर शैडो आएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, ये जूम हो जाएगा। तो मैंने चलिए जूम वाला करके ओके कर दिया, तो ये बीच में जब ये चेंज होगा ना ये क्लिप, तो यहां पर जूम वाला इफेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्ले कर रहा हूं, ये देखिए ये जूम होकर के पूरा इफेक्ट्स के साथ चेंज हुआ। प्लस वाला आइकन पे जूम 2 एक है उसको मैंने लगा दिया, अब यहां भी देखिए जूम 2 वाला चेंज होकर आएगा, ये देखिए जैसे ही बदलेगा, ये देखिए। तो ये इफेक्ट्स आपको सारे ट्रांजिशंस में लगाना है, ट्रांजिशन इफेक्ट जो भी आपका जो है जॉइंट है, जितना जॉइंट है, जितना क्लिप्स का, ये हो गया। अब सारा जॉइंट पे आप एक ही बार में भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जूम टू कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा ना, तो सारे क्लिप्स में ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये देखिए सारा क्लिप्स में आपका जूम टू वाला इफेक्ट लग चुका है। अब यहाँ से प्ले हो रहा है। अब मेन चीज आ जाता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर आपको परफेक्ट करना है, कहीं भी हिचकिचाना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अच्छे से बोलना है। कैसे बोलना है, सिंपल यहाँ पर ऑडियो वाले पे क्लिक कीजिए और देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होता है, और जैसे क्लिक करोगे ये प्ले होना शुरू हो जाएगा और फिर आप बोल सकते हो, ठीक है? चलिए मैं वॉइस ओवर करता हूँ इसे, ठीक है? तो इसको मैंने प्ले कर दिया। हाय दोस्तों, तो आज देख सकते हो मैं आ गया हूँ यहाँ पर पिकनिक करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। तो देख सकते हो बहुत कोई हम लोग साथ में आए हुए हैं, इधर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत कोई है, फुल फैमिली हम लोग आए हुए हैं, अंशु है, इधर देख सकते हो मेरा भाई लोग भी आया हुआ है, हमने यहाँ पर सारा चटाई वटाई बिछा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोग को थोड़ा सा वॉइस ओवर करके दिखा दिया, वॉइस ओवर ऐसा ही होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि जो भी क्लिप आएगा ना, जो चीज हो रहा है वही चीज आपको बोलना है। जैसे यहाँ गोभी कटिंग चल रहा है, यहाँ पर आपको तुरंत से चेंज करके अपने बोलना होगा कि यहाँ पर देखिए गोभी कटिंग चल रहा है, यहाँ पर जैसे आ गया, ठीक है? तो यहाँ छोला बन रहा था, छोला बन गया, यहाँ पर छोला और मुड़ी हम लोग खा रहे थे, इस तरह बोलना पड़ता है। अब बोलने के बाद देखिए, जब आपका बोल के पूरा एकदम परफेक्ट बन जाता है ना, तो ऐसा बनता है। देखिए हमने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको देखिए प्ले करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए आज दोस्तों हम लोग पूरा परिवार आए हैं मैथन डैम पिकनिक करने के लिए। यहाँ देखिए गोभी कटिंग चल रहा है, फुल फैमिली हम लोग आए हैं। यहाँ पर एक गैस सिलेंडर में खाना वगैरह बनना शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग चाय बनाए थे, चाय से शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोला बनाए और मुड़ी ले गए, सबसे पहले यहाँ पर छोला और मुड़ी का पार्टी चला। यहाँ पर देख सकते हो छोला मुड़ी खाने के लिए हम। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का बनता है मिनी ब्लॉग, और ये मिनी ब्लॉग पूरा रेडी होने के बाद आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एरो पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट जैसे दबा दोगे ये पूरा ब्लॉग आपका जो है फोन पे सेव हो जाएगा। ये देखिए सेव हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी सेव है। अब ये वीडियो आपका बनकर तैयार हो गया, आपका गैलरी में आ चुका है। गैलरी में आने के बाद दोस्तों इसको आप अपलोड कैसे करते वो चीज सिखाता हूँ, ठीक है? आपको जाना होता है यूट्यूब वाले ऐप पे, अपलोडिंग भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। उसके बाद प्लस वाला आइकन पे जाइए, प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद शॉर्ट्स पे जाइए, शॉर्ट्स पे चला गया। अब यहाँ पर आपको गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, गैलरी पे जाइए और वो वाला वीडियो सेलेक्ट करना है जो आपने मिनी ब्लॉग बनाकर रखा है। ये देखिए वाला वीडियो है, तो 1:19 का है ना, इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा तो ये लास्ट का 19 सेकंड जो है ऑटोमेटिक से कट जाएगा, सिर्फ 1 मिनट ही रहेगा। उसके बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, ठीक है? तो ये देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद ऐसा आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? उसके बाद आप चाहो ना तो यहाँ पर एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है? जरूरी नहीं है। चलिए इसको ओके करते हैं। टेक्स्ट अगर डालना है तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पिकनिक विद फैमिली, इस तरह करके पिकनिक विद फैमिली मैंने लिख दिया। अब इसको एक रेड हार्ट दे देते हैं, ठीक है? और इसको चाहो तो इस तरह छोटा बड़ा करके यहाँ पर ऊपर पे लगा कर रख भी सकते हो, ताकि क्या होगा ऑडियंस समझ जाएगा किस चीज का मिनी ब्लॉग है। ये डाल दिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको टाइटल वगैरह लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है? अब ये प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्शन लगाने का आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर अनलिस्ट करना, पहले अनलिस्ट करके ही डालना, उसके बाद पब्लिक करना बाद में, ठीक है? अनलिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर थंबनेल सेट करना जरूरी होता है। थंबनेल कैसे सेट करेंगे, देखिए पेन वाला एक आइकन भी यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका ये जो पूरा वीडियो का कोई भी एक अच्छा सा फ्रेम चूज करना होता है। जैसे यहाँ पर गोभी कटिंग चल रहा है, ये मैं डाल देना, देखिए ये फ्रेम मस्त लग रहा है।
इसको डन कर दिया। अब डन करने के बाद ये फ्रेम सेट हो चुका है। फ्रेम सेट होने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है टाइटल, जो आपका वीडियो का टाइटल है। तो पिकनिक विद फैमिली मैं लिख देता हूँ, पिकनिक विद फैमिली, और यहाँ पर दे दिया मैंने रेड हार्ट। अब यहाँ पर आप चाहो तो हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग में मैं हमेशा लगाता हूँ हैशटैग मनोज दे, ठीक है। जो आपका चैनल का नाम है वो आप एक हैशटैग जरूर लगाना, हैशटैग मनोज दे। फिर हैशटैग आपको यहाँ पर शॉर्ट्स जरूर लगाना, शॉर्ट्स इस तरह करके शॉर्ट्स, ये दो लगाना जरूरी है। उसके बाद चाहो तो हैशटैग पिकनिक, हैशटैग फैमिली, इस तरह बहुत सारा लगा सकते हो, ठीक है। अब लगाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन में क्लिक कर देना होता है। अब जैसे क्लिक करोगे तो ये देखा अपलोडिंग होना शुरू हो गया है। अब जैसे ये अपलोडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे जाना है। YT स्टूडियो एप्लीकेशन जो होता है वहां पर जाकर आपको डायरेक्ट पब्लिक कर देना है सेटिंग में, ठीक है। एडिट कर जाइए, अब पब्लिक कर दिए। बस इस तरह दोस्तों आप लोग सिंपल अपना मिनी ब्लॉग को डाल सकते हो, और इसी ब्लॉग को आप अपने फेसबुक पेज पे भी डाल सकते हो। फेसबुक में डालने के लिए सिंपल आपको ये वाला एप्लीकेशन रखना है, बिजनेस सूट फेसबुक का होता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपका पूरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए क्रिएट वाला आ रहा है ना, वहां से करना, रील में मत करना, रील में करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। क्रिएट पोस्ट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर फोटो एंड वीडियो में आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, वीडियो को शूट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, और फिर यहाँ पर पब्लिश कर दीजिए, पोस्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, और इसी को आप अपने रील पे भी डाल सकते हो। तो इतना सिंपल तरीका है। तो दोस्तों मैंने सारा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है कि कैसे वीडियो को एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे शूट करना है, सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।